श्री कृष्णा कहते हैं कि इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान में नहीं होता। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं तो कुछ अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या को भी आप पार कर सकते हैं यदि आपको अपने आप पर विश्वास है। जिस दिन किसी को भी आपको अपना परिचय न देना पड़े, समझ जाना कि आप कामयाब है। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। यह जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें आप सबसे बेहतर हो और आपसे बेहतर उस फील्ड में और कोई ना कर सके। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये सारे प्रश्न स्वयं से करने होंगे। बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, आने वाले कल की चिंता छोड़ दो, सिर्फ अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ, तुम्हारा भविष्य स्वयं बेहतर बन जाएगा। मुस्कुराना जिंदगी का वह खूबसूरत लम्हा है जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है। जिसे मिल जाए वह तन्हाई में भी खुश है, जिसे ना मिले वह भीड़ में भी अकेला है। वक्त के फैसले का भी गलत नहीं होते, लेकिन उसे साबित होने में वक्त लगता है। अगर तुम्हारे इरादों में दम है तो यह बात याद रखना कि तुम्हारी मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ता मिलेगा, क्योंकि मंजिल की फितरत है, खुद चलकर कभी नहीं आती। जो अपने सपनों को पूरा करने का जिगर रखते हैं वही लोग रातों को जागा करते हैं। ना रुकना है, ना थकना है, बस चलते रहना है। अगर आपको जीवन में ऊपर उठना है तो गिरने का भय अपने दिल से निकाल फेंको। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी भी इंसान को सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए उसने अपने कल की कुर्बानी जरूर दी है। महानता उसमें नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं, बल्कि महानता उसमें है कि आप बार बार गिरकर भी उठ खड़े हो। अपनी गलती को स्वीकार करना सफल लोगों की एक खास पहचान है। अपने खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना बन जाए। यदि आप अपने कल को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में रोशनी फैलाने के दो ही तरीके हैं, या तो स्वयं ही दीपक बन जाओ या उस दीपक के प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण। बीते हुए समय को भले ही भूल जाओ, लेकिन अपने बीते हुए कल की गलतियों से मिली शिक्षा को कभी मत भूलना। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपके रास्ते में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों नहीं आ जाए, वह आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसके लिए उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया की हमेशा यही रीत है कि आपके अच्छे कर्मों को कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आपके बुरे कर्मों को लोग हमेशा याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपना कर्म पूरे शिद्दत के साथ करते रहो। सफलता के मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कठिनाइयां ही आपको सफलता के महत्व के बारे में बताती है। यदि आप बात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं तो यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ज्यादा बात करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते और सफल लोग कभी ज्यादा बात नहीं करते। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो यह आपके शत्रु से कम नहीं है। यह दुनिया जरूरत के आधार पर चलती है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे आपकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। रास्ते में अगर बाधाएं आए तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि चमकता हुआ ही है जो घिस गया हो। मन की शांति से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बेशक जीतने वाला जानता है सफलता के गुण, मगर गलतियां कहां होती है ये सिर्फ हारने वालों को ही पता होता है। अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं, कोई हमें बना या बिगाड़ नहीं सकता। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है,
यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो आपको कांटों के साथ तालमेल रखने की कला सीखनी ही होगी। रात के अंधेरे में चमकने का हुनर सीख लो, क्योंकि सूर्य की रोशनी में तो हर कोई चमकता है। बिस्तर से इतना प्यार भी मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए, क्योंकि जो लोग अपनी मंजिल के लिए पागल होते हैं, वे कभी देर तक सोया नहीं करते। दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। यदि तुमने खुद को बदल दिया, तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।